بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک داتا گنج بخش لج پال غریب نواز اور کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علا کل شیئن قدیر ہے فعال لما یرید ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری تواڈی سب دی جان ہے جو اللہ ازل تو ہے ابد تک رہے گا جس دی ذات دا کوئی سانجی شریک پائی وال نہیں اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و ثنا تو بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و اطہر و اللہ و بالا واسطے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ میرے تواڈے صبراں دی طرفو اپنے اس پاک مکمل کامل اکمل محبوب ہستی تے ان گنت لا تعداد درود و سلام دا تحفہ قبول و منظور فرمائے اور ساڈا اج دا بھیجیا آیا درود پاک اللہ ساڈے واسطے باعث رحمت اور برکت بنائے اور اس دیوس دے اندر کل قیامت دے دن اللہ سانو اپنے پاک محبوب دے ہتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے آپ دی شفاعت کبری عطا کر کے آپ دے نال جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے آمین۔ دنیا دے اندر انسان سب تو زیادہ تین چیزاں دے نال محبت کردا ہے جنہ دے اندر ایک انسان دا مال ہے، دوسرا اس دی اولاد ہے، تیسرا انسان دی اپنی جان ہے۔ ہر مرد و بشر، ہر انسان زندگی دے اندر ان تین چیزاں دے نال بہت زیادہ محبت کردا ہے، لیکن اگر یہ تین چیزاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی زندگی اندر ویکھیاں جان تو انہاں دی نظر دے اندر انہاں دی قدر و قیمت رسول اللہ دی محبت نالوں زیادہ نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی زندگی اندر جے مال ملیا ہے تد بھی انہوں رسول اللہ دے حکماں نالوں عزیز نہیں سمجھیا، اولاد ملی ہے، تفسیر اور سیرت دیا کتب اس بات دی گواہ نے کہ اپنی اولاد نوی رسول اللہ دے فرامین تو آپ دے اشارہ آبرو تو قربان کرن تو دریغ نہیں کیتا۔ اگر مال ہے تو
तो जो रसूलुल्लाह ने ऐलान किया चंदे का तो फिर माल भी घर अंदर नहीं छड़िया सारा लिया के रसूलुल्लाह तो कुर्बान कर दिता ना अपनी जान की वह परवाह की है ना अपनी औलाद की कुर्बान परवाह की है और ना ही अपने माल की परवाह की। जे जाना मंगिया ने तो जाना तली ते रख के ते आप दे नाल मैदाने जग दे अंदर कूद पड़े इतों तक कि मेरे मुस्तफा ने इशारा किया तो समंदरां दे अंदर भी घोड़े दुरा दिते ने किसी ने पिछे रहन की कोशिश नहीं की। अज दे इस खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी वफा दियाँ चंद झलकियाँ तो सहबाब के सामने रखना चाहना कि सहाबा ने जेड़ियाँ इस्लाम के अंदर कुर्बानियाँ दितियाँ जेड़ियाँ सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस्लाम वास्ते और रसूलुल्लाह की इज्जत वास्ते आप दी नमूस ते पैरा देने वास्ते जेड़ी वफावां कीतियाँ चंद इंशाल्लाह तो सहबाब के गोश गुजार करके बाद इख्तिताम की तरफ लैके जावांगे। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू किताबो सुन्नत के मुताबक बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और सानू सारियां नू सुन सुना के अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कोई आम हस्तियां नहीं असी आम इंसान हाँ साड़ी वह की कीमत है की कदर है कि जेड़ी अल्लाह ने नबी दे सहाबा नू अता फरमाई कि जेड़े मुस्तफा दी सामने बह के आप दे कोल खुतबे सुनते रह मुस्तफा दी बारगाह दे अंदर तशरीफ लियांदे रह आप दा दीदार करदे रह आप नू वेख के अपने कुलबो रूह नू अपने दिमाग और सीनियां नू ठंडक पहुँचांदे रह ओ सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के जिन्हां नू साडे वास्ते मायारे ईमान करार दिता गया ओ सहाबा इकराम के जिन्हां दे बारे बद जुबानियां करन वालियां नू रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जेड़ा मेरे पैगंबर दे सहाबा दे बारे बद जुबानी करके ये कहिंदा है कि ये लोग माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पागल हो गए ने ते रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर उन्हां दा रद्द फरमा दिता और पैगंबर दे सहाबा दा दिफा फरमाया ते किन अल्फाज दे नाल आओ जरा कुरान सुनो। अल्लाह फरमांदे ने सिपारा पहला ते सूरह बकरा अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमाम अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो अपने पाक पैगंबर नु अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा की लगमा मेनू ओ कमा मननास कालू अनु मेनू कमा अमन सुफवाओ अला इन्नहुम हुम सुफवाओ वला किल्ला यालमून। अल्लाह फरमांदे ने जिदों लोकां आखिया ये लोग जेड़े ईमान लैके आए महबूब सोने जिन्ना तुहाडा कलमा पढ़ ले आए जिन्ना तुहाडे हाथ ते हाथ रख के बैत कर लईए जेड़े तुहाडे मरीद बन गए ने जिन्ना तुहानू अपना पीरो मुरशद मन लिया ये जिदों तुहाडे ते ईमान लैके आए ते फिर इन्हां दे बारे लोकां आखिया कमा आमन नास कालू आनू मैनू कमा अमन सुवाओ इन्हों जो क्या जाता है इन्हों लोगों वर्गा ईमान लैके आओ जिमें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनन वाले ईमान लिया अगवा दिन कमा अमन सुवाओ क्या असी इंज का ईमान लियाईए जिमें अमाज़ अल्लाह बेवकूफ ईमान लैके आए ने मेरे पैगंबर दे सिया
ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮਨ ਸੁਫਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਪਾਗਲ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਨਹੁਮ ਸੁਫਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਬੂਬ ਸੋਹਣਿਓ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਲਾ ਇਨਹੁਮ ਸੁਫਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਲਾ ਕਿਲਾ ਯਾਲਮੂਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਫਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਲਾ ਇਨਹੁਮ ਮੁਸਫਾ ਉਹ ਕਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਸਪਾਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਆਬਾ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਯਕੂਲੂਨਾ ਰੱਬਨਾ ਇਨਨਾ ਆਮਨਾ ਫਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਬੰਨਾਰ ਅਸਾਬਰੀਨ ਵਸਾਦਗੀਨ والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار اے شان میرے نبی دے یاراں دا قرآن رب دا نام۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے وفادار دیوانے تے مستانے کون نے جنہاں میرے پیغمبر نوں اکھاں نال ویکھیا میرے پیغمبر دے ایمان لے کے آئے۔ الذی يقولون ربنا اننا آمنا او لوگ جڑے آندے نے اے ساڈے رب ربنا اے ساڈے مشکل کشا ربنا اے ساڈے حاجت روا ربنا اننا آمنا بے شک اسی ایمان لے کے آ گئے ہاں کادے تے اننا ਆਮਨਾਮ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਤੋਹੀਦ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਲੂਹੀਅਤ ਤੇ ਰਬੂਬੀਅਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨਨਾ ਆਮਨਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿਆਮ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬਨਾ ਇਨਨਾ ਆਮਨਾ ਫਗਫਿਰ ਲਨਾ ਹੈਨ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾਵਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਆਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਏਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਆਬਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ
रब कोलो मंगन वाला रब नू बड़ा ही प्यारा लगता। कहती रब कोलो मंग के ते मंगन वाले बनिए ते सही, मंग के वेखिए अल्लाह कोलो मंग के वेखना अल्लाह ते मंगन वाले दियां सिफतां अपने कुरान अंदर पिया बयान करदा। ये रब कोलो मंगन वाले आंदे ने आमन्ना फगफिर लना ज़ुनूबना, अल्लाह साडे गुनाह माफ कर दे वाकिना अज़ाब नार, अल्लाह सानू क़यामत वाले दिन दोज़ख दी अग कोलो बचा लै। अगे ना दियां सिफता और कीड़ी केड़िया ने असाबरीन, नबी दे सहाबा असाबरीन सबर करन वाले, वसादिकीन हमेशा सच बोलन वाले, वल कानतीन रब कोलो डरन वाले फरमा बरदार, वल मुनफिकीन अल्लाह दी राह विच खर्च करन वाले, वल मुस्तगफिरीन ए गल फिर उत्ते आ गई है, वल मुस्तगफिरीन बिल असहार। अल्लाह फरमांदे ने मेरे पैगंबर दे दीवाने ओ ने जेड़े सारी वेले उठ पैंदे ने ते रब कोलो बख्शिश दियां दुआवां करदे ने। लोकी सौ जांदे ने उठ के मसला डा लैंदे ने, लोकी सौ जांदे ने, लोकी लंबे लंबे कराटे मारदे ने, लोकी लम्मियां तान के सौ जांदे ने, ते मेरे मनन वाले मेरे पैगंबर दे वफादार उठ के मसले डा लैंदे ने ते अपने रब नू मनाना शुरू कर देंदे ने। बिल आसार ते सैरी दे वेले अद्धी राती उठ के रब नू मनान वाले, अल्लाह ए मेरे पैगंबर दे सहाबा आओ ना के कोर कुरान दा मुकाम सुनो। मैं मेरा दिल करदा मैं तुहानू अल्लाह दा कुरान कसरत दे नाल सुनांदा जावा। कौन मेरे पैगंबर दे सहाबा, अल्लाह फरमांदे ने अल्लज़ीन आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़म दरजतन इंदल्लाह يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे बंदे जेड़े ईमान लैके आए ने ते जिन्ना अल्लाह दी राह अंदर हिजरत कीती है ओ अजादू ते मेरे राह विच जिहाद भी कीता वे फी सबीलिल्लाह बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम अपने माला नाल भी अपनिया जाना नाल भी अपने माल नाल भी ते अपनिया जाना नाल भी। मैं अर्ज की कर चुकिया पहले कि सहाबा ने ना माल की परवाह की है ना जान दी परवाह की है, ते अल्लाह ने तस्दीक कर दीतियां ने फी सबीलिल्लाह बे अमवालिहिम व अनफुसिहिम इन्हां अपने माल नाल भी अल्लाह दी राह अंदर हिजरत ते जिहाद की अपनियां जानां नाल भी की। आज़म दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने फिर इन्हां दा साडे कोल बहुत बड़ा अजर तैयार है, इन्ना वास्ते साढ़े को अजर तैयार है, ते यही लोग कामयाब हो जाएंगे। युबशिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु वरिज़वानिन व जन्नातिन, अल्लाह फरमाते ने इन्हां नूं खुशखबरियां सुना दिओ, अल्लाह ने अपनी रहमत नाल इन्हां नूं जन्नत दियां ते अपनी रजा दियां खुशखबरियां सुना दित्तियां ने। लहुम फीहा नईमुम मुकीम, जान गए जेड़ा बड़ा ही हमेशा दा रहन वाला ठिकाना है। खालदीन फीहा अबदा, ये हमेशा हमेशा जन्नत अंदर रहन गए, उते टुर जान गए। इन्हां सहाबा नूं अल्लाह ने दुनिया विच सर्टिफिकेट अता कर दिते ने खालदीन फीहा अबदा। कुरान आंदा कुरान नबी दे सहाबा हमेशा हमेश लई जन्नती, क्यों जी ये कुछ शक रह गया है?
कुरान है ना, कुरान आंदा पिया, रब रहमान आंदा पिया, खालिदी ना फीहा आबादा, ए हमेशा हमेशा ले जन्नती ने, इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। अल्लाह ने इन्ना वास्ते बहुत बड़ा अजर तैयार कर दिता है। कौन मेरे पैगंबर दे सहाबा, अगे एक और मुकाम सुन लो, हुण सपारा इक्कीआं निकल आया, सूरत दा नाम सूरा सजदा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे पैगंबर दे सहाबा, कौन सहाबा, ताता जाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदून रब्बहुम खौफा व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। कुरान सुन के दिल ठंडा हो रहा कि नहीं? कुरान दिल दियां बंजर धरतियां, अल्लाह साडे कुरान कुरान दे नूर नाल साडे सीने मुनव्वर फरमा, साडे दिल दियां बंजर धरतियां आबाद फरमा, सानू कुरान दियां रवानियां नसीब फरमा, अल्लाह कुरान दे इलम नाल सानू बैरावर फरमा। अल्लाह फरमांदे ने ताता जावा जुनूबहुम अनिल मजाज यदून रब्बहुम खौफं व तमा, ए ओ लोग ने जो करवट बदल देने ते रब दे खौफ नाल अल्लाह दा जिक्र करन वाले, अपने रब नू याद करन वाले, यदून रब्ब अपने रब नू पुकारन वाले, अपने रब नू बुलान वाले, वो अतामान ते हिरस रखन वाले, लालच रखन। अल्लाह लालच कादा, मुफस्सरीन लिखते ने लालच जन्नत दा, क्यों जी ये लालच माड़ा है, ए लालच जन्नत दा रखन वाले, खौफं अतमान रब कोलो डरन वाले ते जन्नत दी हिरस करन वाले, जन्नत दी तमा करन वाले पैगंबर दे सहाबां, खौफं व तमां व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ते अल्लाह दी राह विच जो रब ने दिता खर्च करन वाले, ए मेरे पैगंबर दे सहाबां, ए सारियां सिफतां जेड़ियां कुरान दी इन्हां आयात दे अंदर मैं गिनियां ने, अल्लाह ने मेरे पैगंबर दे सहाबां अंदर रख दित्तियां। मेरे पैगंबर दे सहाबा इन्हां सारियां सिफतां दे मुस्ताक बन के रह गए। अल्लाह कोल पैगंबर दे सहाबा जिन्हां दे बारे मैं अपनी मुहब्बत दा अंदाज़ इंज बयान करना चाहना वा, ओ सहाबा बाज मोमिन दे नहीं हुंदे गुजारे ने, क्यों जी सहाबा तो बगैर गुजारा होना, सहाबा तो बगैर गुजारा नहीं होना, सहाबा बाज मोमिन दे नहीं होंदे गुजारे ने, ओ सजदे नाल आका दे जिवें चन नाल तारे ने। मेरे पैगंबर सहाबा अंदर बैठे होंगे ना, तो नक्शनगार जड़े ने नक्शा इंज बयान करते कि आका अपने सहाबा की जमात के अंदर जो बैठे होंगे तो आका इंज फबदे सन जिवें सितारिया दे विच चौदहवीं रात का चन्न फबद है। मेरे पैगंबर दे सहाबा अल्लाह ओ सजदे नाल आका दे जिवें चन नाल तारे ने, कौन सहाबा, ओ दिने राती रज रज के दीदारे आका द कर दे रहे, नमाजा सारिया ही सोने दे पीछे पढ़ दे रहे। अज असी इमामे काबा दे पीछे कोई उमरा करन जांदा है, कोई हज करन जांदा है, कोई मस्जिद नबी दे इमाम पीछे नमाज पढ़ लैंदा है, आंदा जी मैं बड़ा खुश नसीब हाँ मैं इमामे काबा पीछे नमाज पढ़ आया वा, मैं इमामे मस्जिद नबी दे पीछे नमाज पढ़ आया, कोई आंदा मैं फलां वली पीछे नमाज पढ़ आया, फलां खतीब पीछे नमाज पढ़ आया वा, लेकिन उन्हां नबी दे यारां ते वफादारां दी अजमत दे क्या कह जिन्ना नमाजा पढ़िया ने, ते मुस्तफा दी इक्तदा अंदर पढ़िया ने।
मेरे नबी दे पीछे सफा बन के पड़िया ने, ओ नमाज़ा सारिया ही सोने, नबी दे पीछे पढ़ दे रहे। तायू अल्लाह ने ए फरमाया, तायू अल्लाह ने ए फरमाया, ए मालक जन्नतां दे सारे ने, कुरान अंदर बयान कर चुके हैं। तायू अल्लाह ने ए फरमाया, ए मालक जन्नतां दे सारे ने, ओ मदीने विच जदों आका चंदे दा ऐलान कीता, ता पेशो ना सहाबा ने घर दा सारा सामान कीता, रब वल्लों मिले ओ नानू, ओ रब वल्लों मिले ओ नानू, जन्नतां दे विच चुबारे ने, सहाबा बाज मोमिन दे नहीं हुंदे गुजारे ने। ए मेरे पैगंबर दे सहाबा, आओ ना अगे मैं कदी सुनांदा जावां। सन 3 हिजरी दे अंदर ना जदों मुसलमान गजवाए बदर कामयाब हो गए, वापस मदीने अंदर आए, ते काफरां दे उत्ते गलबा हासिल होया, अल्लाह ने अपने नबी नू फतह नाल हमकिनार फरमाया, 70 काफर मार छड़े, 17 नू कैदी बना लिया, ते मेरे आका मदीने अंदर ने, ते काफरां कोलो ए शिकस्त जरी नहीं भी जांदी। काफर जेड़े ने कोई किसे तरीके बदला लेना चाहते ने, इन्होंने इंज कीता, एक काफला भेजिया आके मेरे पैगंबर ले सलात व सलाम को लाके आंदे ने, यह जी असी सलाम कबूल करना चाहते हाँ, असी तुहाडे सलाम तो मुतासर हो चुके हाँ, लिहाजा इंज करो कुछ साढ़े नाल कुरान दे आलम ते कारी भेजो, जेड़े जाके सानू कुरान सुनान, कुरान की आवाज सुनान, दीन सिखान, ते असी मुसलमान बनना चाहते हाँ, असी तुहाडे पैरोकार बनना चाहते हाँ। मेरे आका अली सलात व सलाम ने उन्हां दी गल मन ली, ते 10 सहाबा 10 कुरान दे कारी इन्हां दे वास्ते मुकर्रर कर दिते, उन्हां दी ड्यूटी ला दी कि लो भाई तुसी जाओ इन्हां दे नाल जाके इस्लाम दा बोल बाला कर दियो, इस्लाम दी तरवीज कर दियो, इस्लाम दी दावत नूं आम कर दियो, इन्हां नूं जाके कुरान सिखा दियो। हुण मेरे पैगंबर ने 10 सहाबा दे कारी इन्हां नूं जनाब तैयार कीता, ये 10 दे 10 सहाबा मेरे पैगंबर दे सहाबा, ये कुरान दे आलम ते कारी भी ने, इन्हों लैके इन्हों टोर दिता, उन्हें काफले वाले काफर टोर दिता, तो रात जाद्या इन्हों का मुकर्र किया मीर हजरत आसम रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे नबी दे वफादार ने, मेरे नबी दे जान निसार ने, आका ने हजरत आसम इन्हों का अमीर मुकर्र कर दिता कि ले आसम तू इन्हों की कमान संभालनी है। ये जो मदीने बाहर निकले ने, 200 काफर ने इन्हों के उत्ते हमला कर दिता, ये आए इसे नीयत ते सन कि किसे तरीके असी बदर की लड़ाई की हार का बदला ले लईए। तो मेरे पैगंबर के सहाबा ये 10 कारी नाल टोरे ना, तो राह च जाते इन्हें हमला कर दिता, ये किन्ने ने 10, वो 200 बंदा, तो इन्होंने हमला कर दिता, तो मेरे पैगंबर के सहाबा वो खिलर पुलर के सामने पहाड़ी नजर आई, तो पहाड़ी ते चढ़ गया। तो हजरत आसम बड़े तीर अंदाज सन, इन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिते, ऐसे तीर मारे कोई निशाना नहीं उकदा, हर जालम नू एक तीर वजदा पिया, इन्हें समझिया कि साढ़े तो 10 ही वजनी हो गए, ईमान वाले ये साढ़े तो 10 ही भारे हो गए ने, इन्हों किसी तरीके वरगला के ना इन्हों अपने कब्जे अंदर लिया। उन्हें हुण चाल चली, चाल ये चली कि लो भाई आसम असी तुहाडे नाल मुआहदा करने हैं, वादा करने हैं, तुसी साडे कोल आ जाओ, असी तुहानू मारांगे नहीं, असी तुहानू अपनी अमान देने हैं, लिहाजा तुसी साडे नाल आ जाओ, तो पहाड़ी तो नीचे उतर आओ। हजरत आसम फरमाते ने, ओए तुसा मेरे नबी नाल वादा वफा नहीं किया, तो साडे नाल कित्थों करोगे, मेरे नबी नाल वादा करके आए हो, तो अजे अद च नहीं पहुंचे, तो तुसा वादा तोड़ दिता, तो मैं तुहाडे ते किवें मैं ईमान यकीन कर लवा कि तुसी मेरे नाल वादा वफाई करोगे।
मैं जान दे देंगा, मैं अपने नबी दे आन और शान तो कुर्बान हो जावांगा, तुहाडी गल ते यकीन करना नहीं करना। लिहाजा हजरत आसम उत्ते ही रह, बाकी सत्त अठ सहाबा शहीद हो गया ते बाकी जेड़े दो सन वह कैदी कर लै गए। तो हजरत आसम ना इन्हां नाल लड़दियां लड़दियां तो आखिरी वक्त आ गया, करीब जख्म आ गए ना जिसम ते काफ़ी ज़्यादा, तो अपने अल्लाह अगे दुआ करते ने हजरत आसम अपने रब अगे दुआ की, अल्लाह सोने जे मैं तेरी राह विच लड़दा लड़दा शहीद हो जावा, मैं जान कुर्बान कर दियां ते तेनू तेरी इज्जत दा वास्ता ही मेरी लाश नूं इन्हां काफरां दा हाथ ना लगन देवी, मेरी लाश तक भी इन्हां दा हाथ ना अपड़े के पलीत ने, मैं तेरे पैगंबर दे हाथ ते हाथ रख के बैत की है, मैं ते कलमा पढ़ के पाक हो गया वां। हजरत आसम शहीद हो जाते ने, इन्हां जनाब जालमा ने आके कब्जा करन दी कोशिश की, लाश नूं उठान दी कोशिश की, ते अल्लाह दियां मर्जियां मालक कुदरतां वाला रब ने शहद दियां मक्खियां कल दित्तियां, शायद दियां मक्खियां आ गई तो हज़रत आसम की लाश के दुआले बह जांदियां ने, लाश के उत्ते नहीं सैडा दे, ते सैडा ते बह गई, तो जड़ा जालम लागे जान की कोशिश करदा मक्खियां हमला कर देंदियां ने, मक्खियां हमला, ओए जालमो ओ तुसा मेरे पैगंबर दे सियाबा दे अदबो एहतराम नूं पहचाने ही नहीं, वेना और जिन्हां दी इज्जत ती इसमत ते शान इन्नी है कि जिन्हां दे दिफा वास्ते आसमाना वाले रब ने मक्खियां भी ला ड्यूटी ला दी, तो अज बक बक करने वाले हया ही नहीं करते, अल्लाह हदायत दे दे मेरे पैगंबर दे, मक्खियां जिहड़ा नेड़े हुंदा उहदे ते हमला हो जाता है, ये सारे नस भज गए, तो इन्हां कोशिश की, इन्हां कहा हुण दिने मक्खियां जिहड़ियां इन्हां सानू नेड़े नहीं लगन देना, इंज करने आ रात नूं ठंडियां हो जांदियां ने ते आपां रात नूं इहनूं चुक लांगे, इत्थों रात नूं आ के रात दे अंधेरे अंदर हजरत आसम की लाश नूं उठा लांगे, ते रात पई अंधेरा हो गया, कुदरतां वाले मालक ने आसमान तो मींह बरसा दिता, आसमान तो मींह बरसा दिता, ते बारिश इन्नी कोई अल्लाह ने हुक्म दिता है बारिश दे पानिया मेरे आसम की लाश नूं बहा के लै जा, इता मेरे आसम की लाश नूं इन्ना को बहा के लै जा, मेरे आसम ने दुआ की सी कि मेरी लाश नूं काफर दा हाथ ना लगे, मैं चाहना वा मेरे आसम की लाश नूं वाकई ही हाथ ना लगे। बारिश हुई, हजरत आसम की लाश पानी बहा के लै गया। हुण पिछे जेड़े सियाबी कैदी होए ने, दो सियाबी, एक दा नां हजरत जैद, एक दा नां हजरत खुबैब बिन दिए रजी अल्लाह तआला अनहुमा, इन्हां दुआ नूं कैदी करके मक्के दियां गलियां दे अंदर लिया दिता लिया गया, ते हजरत जैद नूं मक्के वालियां ने शहीद कर दिता, ते हजरत खुबैब नूं मक्के दी मंडी अंदर लिया के खरीदो फरोख्त वास्ते इन्हां वास्ते ऐलान कर दिता कि गुलाम आ गया है, अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकदा है। हजरत खुबैब इन्हां ने मक्के दी मंडी अंदर वेच दिता, हारस दे बेटियां ने खरीद लिया, इन्हां इस वास्ते खरीदया कि इस खुबैब ने साडे बाप नूं कतल किया, मैदान ओहद दे अंदर असीं इहदे कोलों अपने बाप का बदला लवांगे, इन्हां ने खरीद के लिया के घर के अंदर कैदो बंद कर दिता है, एक कमरे के अंदर इन्हू बंद कर दिता है। हजरत खुबैब नूं कहिंदे ने असां इक्को वारी नहीं मारना, असां अपने बाप का बदला इंज लैना, इन्हू तरसा तरसा के मारांगे, इन्हू जनाब असीं भुखियां ते त्रियां रख के मारांगे। हजरत खुबैब नूं एक बंद कोठड़ी अंदर बंद कर दिता गया ना, ते काफ़ी दिन बंद रहने, ते एक दिन ना हारस जी बेटी इंज करके दरवाजे दे सुराख अंदरों नज़र मार के आंदी है, मैं वेनी हाँ किन्ने दिन हो गए ने पानी भी कोई नहीं गया अंदर, खाने वास्ते भी चीज़ कोई नहीं गई अंदर, मैनू लगता है ये भुख ते त्रे नाल खुबैब अपने रब नूं प्यारा हो गया होना, इन्हें जदों नज़र मारी है ते हारस दी बेटी दंग रह जांदी है, आंदी है जदों मैं वेख्या ते खुबैब अगे वो फल पैने जेड़े उस वक्त मक्के विचों लभदे ही नहीं सन,
वफा दे मुल पै गए। हजरत खुबैब अगे ऐसे ऐसे फल पैने जेड़े मक्के दी मंडी विचों लभदे ही नहीं, ते आंदी है मैं वेखे हजरत खुबैब दे हत्थ दे विच ताज़ा खजूरां दा गुच्छा है, ताज़ा खजूरां के जिवें हुण ही उतार के ते लियांदियां गईयां। इहनां नूं की पता होवे अल्लाह अपने मन्नण वालियां नूं बंद कोठरे च रिज़क दिंदा। ये कोई नवीं गल नहीं सी, ये थोड़ा पिछे जाइए तो बीबी मरियम नूं भी दिता सी। बीबी मरियम नूं भी दिता जदों ज़करिया अलैहि सलाम भुल गया ना खाना देना, तो चाबियां भी कमरे दियां कोल, तो वेख्या मरियम तो मर गई होनी है भुखी तरियाई, खाण पीन कुछ नहीं दिता। जाके दरवाज़ा खोलिया तो वेंदे ने ते दंग रह जांदे ने, मरियम दे अगे बेमौसमे फल पैने ते बेसाख्त ही बोल उठदे ने, काला या मरियम अन्ना लाके हाजा, मरियम ए कित्थों लैनी, बुआ बंद चाबियां मेरे कोले कित्थों आ गया। ते बीबी मरियम ने बचपन अंदर ही बोल के आखिया सी, कालत हुआ मिन इंदिल्ला, ए खालू जान तुसी भुल जांदे हो, ओ भुलदा रब नहीं जे भुलदा, तुसी दुनिया वाले भुल जांदे ने, आसमाना वाला नहीं जे भुलदा, रिजक दियां कुंजियां ओदे कोल ने ओ नहीं भुलदा। इत्थे भी इहो ही मामला, बंद कोठड़ी दे अंदर इन्हां ने क्या त्रिया त्रिया के भुखा रख रख के मारांगे। अल्लाह फरमांदे ने ओए मैं दुनिया विच ही अपने खुबैब नूं जन्नत दियां मिठासां दिखा देंगा। हजरत खुबैब दे अगे जदों इन्हां बेमौसमे फल वेखे ते आंदे ने नहीं बर्दाश्त होंदा, लिहाजा इनू फलां दिन फलां टाइम मक्के दे चौक दे अंदर सूली दे दिता जाएगा, फांसी ते चढ़ा दिता जाएगा। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला नूं इन्हां ने जनाब तैयारियां कर लिया ने, मक्के दे जनाब चौक दे अंदर हजरत खुबैब नूं सूली ते टंगन दियां तैयारियां हो गईयां। ते आंदे ने हजरत खुबैब नूं फरमांदे ने, खुबैब फलां दिन तेरा मौत दा दिन होवेगा, तेरा जिंदगी का आखिरी दिन होगा, इंज कर ले अपने रब न रज रज के मना लै, ते अपनी जिंदगी की कोई आखिरी ख्वाहिश है इतने दस लै। हजरत खुबैब फरमाते ने, मैं मरण तो नहीं जे डरदा, मैं मरण तो नहीं जे घबरांदा, तुसी दो जो दिल करदा जे करो ना, मैं अपने रब की मुलाकात का इंतजार अंदर हाँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत खुबैब न इन्ना जालमा ने ऐलान करके मक्के दे चौक अंदर तमाशबीन बला के ते सूली ते एक हदीस अंदर आउंदा, एक खजूर दा पुराना तना वे ओदे नाल हजरत खुबैब नूं लटकाया गया। इन्हां क्या खुबैब कोई जिंदगी दी आखरी असर, फरमाया दो रकातां पढ़ लैंदे हो, दो रकातां जल्दी जल्दी पढ़िया कितने जालम ही न समझ जान, बिलाल मौत दे खुबैब मौत दे डर तो लंबी नमाज पिया पढ़दा, नमाज पढ़िए ते फौरन आ गए ने, ए खुबैब दिल विच कदी ते आउंदा होवेगा के काश मेरी जगह ते अज मुहम्मद आ जाए ते मेरी जान बच जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत खुबैब फरमांदे ने, ओ जालमो तुसा सोच किवें लिया, ओ मेरा नबी मदीने अंदर मैं मक्के अंदर, मैं ते ए भी बर्दाश्त नहीं करदा मेरे पैगंबर दे पैर अंदर कंडा भी चुभे ते तकलीफ हो जाए। हजरत खुबैब नूं ते ओ भी बर्दाश्त नहीं, तुसी ये किवें सोच लिया, मैं अपने नबी तो सब कुछ कुर्बान करन लई तैयार हाँ, इन्हां जालमा सूली ते लटका दिता है, हुण एक किसे दे हथ दे अंदर नेज़ है, किसे दे हथ दे अंदर तीर ने, किसे दे हथ अंदर तलवार है। हजरत खुबैब सूली ते लटके ने, कोई बर्ची दा जनाब बर्चियां नाल हमला करदा है, कोई नेजे दियां नियां मारदा है, कोई तलवार नाल हमला करदा है। हजरत खुबैब दे जिस्म दे अंदरों खून निकलदा पिया, जिस्म दा गोश्त बोटियां बन के जमीन ते डिगदा पिया, ते जिस्म दे आखरी साह चलदे ने बै। ते हजरत खुबैब ने उत्ते इक गल आखी है जिहड़ी अरबी जुबान वाले ने नकल फरमा दित्ती है, आंदा हजरत खुबैब फरमांदे ने, तो उबाली ही ना उकतलू मुसलमन,
بأي شك كان مسرعي لست أبالي حين أقتل مسلما بأي شك كان مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلم ممزئي. اے حضرت خبیب نے آخری گل کیتی تے پنجابی والا بولیا انہیں انج کر کے آکھیا آندا حضرت خبیب فرماندے نے باد سبا ونج شہر مدینے تے دیوی سنے میرا مکے والے سولی دتا تے یار خبیب جو تے رام اے حضرت خبیب نو اینا سولی تے لڑکا دیتا تے سولی تے لڑکایا ہی چھڑ دیتا گیا آسمانا تو میرے رب نے میرے نبی نو خبراں دے دیتیاں کہ محبوب سونے تیرا یار مکہ دے چوک اندر لڑکے ہے جاؤ جا کے او دی خلاش نو اتار کے تے لے آؤ. حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بندیاں دی ڈیوٹی لائی ہے ایک دانا حضرت عبداللہ بن زبیر ایک اور صحابی نے یہ دونوں میرے نبی دے حکم دے مطابق سفر کر دے مکے والا ہے نے آ کے حضرت خبیب دی لاش کئیاں دنوں تو مکے دے چوک اندر ٹنگی ہوئی ہے ہن اے حساب لا لو مکے تے مدینے دا گھوڑے تے یا اونٹ تے سواری سفر کنے دنوں دا بندا کنے گھنٹیاں دا بندا ہے کوئی تھوڑا سفر نہیں انہاں دنوں اندر کوئی بساں تے کاراں تے ٹریکٹر نہیں سن چل دے گھوڑیاں تے اونٹاں تے چڑھ کے اے میرے پیغمبر دے وفادار رہنے کافی دن لنگ گئے. حضرت خبیب دی لاش اتھی سولی تے ٹنگی ہے تے حضرت عبداللہ بن زبیر آئے رات دے تاریکی دے اندر حضرت خبیب نو سولی تو اٹھایا تے لا کے چک کے زمین تے لیا کے نا انج کر کے سواری تے بٹھایا نا تے سواری تے بٹھا کے حضرت عبداللہ بن زبیر فرماندے نے میں چلدا آ رہا تے میں ویکھیا خبیب دے چہرے تے نظر پئی اے تے چہرہ انج جویں ہنے ترو تازہ غسل کیتا اے ذرا وی لاش نے بدبو نہیں چھڈی رنگت نہیں بدلی ذرا وی کوئی فرق نہیں آیا انج لگدا ہے جویں ترو تازہ بندہ ہنے سُتا ہے نا. اللہ اکبر اے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ جی نا میرے پیغمبر دو سارا کچھ قربان کر دیتا ہے اندن میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے وفادار ایک او نبی دے یار دا واقعہ سناواں تے گل ختم کریے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد دا اعلان کر دیتا ہے غزوہ احد ایک نو نواں مسلمان ایک نواں نواں نکاح والا مسلمان نبی دا صحابی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے اج شادی ہوئی ہے کل صبح فجر ویلے میرے نبی نے اعلان جہاد کر دیتا ہے اوے آ جاؤ کافر آ گئے نے انہاں دے مقابلے واسطے میدان سجانا وے. حضرت حنزلہ نے اجے رات بیلی ہوئی اپنی بیوی دے نال گزاری تے صبح نبی دی آواز کناں دے اندر پئی ہے تے انج نکل پے نے اپنا جناب جنگ دے اوزار لے تے ٹر پے میدان احد دے اندر میرے آقا دے شان بشانہ جنگ لڑدیاں ہویا حضرت انزلہ شہید کر دتے جاندے نے. حضرت انزلہ شہید ہو گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد میدان اندر جنگ تو بعد جنج کر کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی دے وفا اپنے وفاداراں اپنے جان نثاراں دا معائنہ کردے نے شہید ہون والے انو پہ ویندے نے کتے چاچے دی لاش نظر آ رہی ہے کتے مصعب بن عمیر دی لاش نظر آ رہی ہے کتے کسے صحابی دی لاش نظر آ رہی ہے تے ایک لاش ایسی نظر آئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لاش نو انج اٹھایا تے اپنی گودی دے وچ رکھ لیا تے گودی دے وچ رکھ کے میرے آقا فرماندے نے واہ انزلہ میں رب دا نبی تیرے تے راضی آسمان تے رب تیرے تے راضی
जमीन ते रब दा नबी तेरे ते राजी, आसमाना वाला आसमाना ते तेरे ते राजी है। ते मेरे आका इंज जमीन ते रखे असर ते मेरे आका पिछे अट गए। सियाबा फरमाते ने मेरे आसा वेख्या नबी पाक उल्टे कदमा पिछे आए ना, ते आका फरमाते ने इत्थे ही ठहर जाओ, इत्थे ही ठहर जाओ। इधरों एक औरत आ जाती है, ये आके आंदी अल्लाह दे नबी मैं तुहाडे नाल गल करना चाहनी हाँ। फरमाया बीबी दस, फरमाया ओ हंजला मेरा खां शोहर है, हंजला मेरा खामंद है, अजे राती साड़ी शादी हुई है, अज पहली रात ही मेरे नाल गुजारी सू ते गुसल भी नहीं सू कीता, तुहाडा ऐलान सुन के मैदान जंग अंदर आ गया। मेरे खामंद नू गुसल की जरूरत है, मेरे खामंद ते गुसल वाजब है, तुहाडे यार ते गुसल वाजब है, लिहाजा इनू गुसल दे लिता जाए ना। मेरे आका फरमांदे ने बीबी परेशान ना हो, घबरा ना, वापस चली जा, हंजला दा गुसल असी जमीन ते नहीं करांगे, असी जमीन वाले नहीं करांगे। हंजला ते गुसल लई अल्लाह ने आसमाना तो 70,000 फरिश्ता नाजल कर दिता। सुहान अल्लाह, सुहान अल्लाह। ए मेरे पैगंबर दे वफादार, ए मेरे पैगंबर दे जान निशार, जिन्ना सारा को जी मेरे पैगंबर तो कुर्बान कर दिता। माल मंगी है ता भी दे दिता, जान मंगी है ता भी दे दिती है, औलाद मंगी है एक बीबी को कोई पुत्र है लिया के वह भी मेरे नबी दी चोली बेच रख दिता। सोने जे कोई तीर तेरे वल आवे अगे इनू कर छड़ी, शहीद हो जाएगा ते मैदाने माशर अंदर मेरा भी हशर होए ते शहीदां दी मावां विचों होवेगा। ए मेरे पैगंबर दे सहाबा जिन्हां दे बारे कुरान दुहाइयां देंदा पिया, रजी अल्लाह अनहुम हिज़्बुल्लाह। मेरे रब दा करो, मेरे नबी दे बनन, मेरे नबी दे मनन वाले। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया मैं इन्हां ते राजी हो गया, ये मेरे ते राजी हो गए ने, ते मैं इन्हां दे वास्ते जन्नत तैयार कर छड़ी है। अल्लाह अल्लाह, हुण मेरे पैगंबर दे सहाबा, मेरे पैगंबर दे वफादार, जिहड़ा नबी दे सहाबा नूं नहीं मनदा सी उहदा ईमान मन दे, असी उहदा ईमान नहीं मनदे। मैं आखिर ते अपनी मुहब्बत दा इज़हार करके बात खत्म करना चाहना। हर नगर नगर हर गली गली प्यार दा इज़हार करे आजे, हर नगर नगर हर गली गली सिद्दीक उमर उस्मान अली। हर नगर नगर हर, मेरा दिल करदा ऐसी से आबाद नगमे नली गली गली ते नगर नगर ते चौकां ते चौराहां अंदर इंजी लाइए। हर नगर नगर हर गली गली हर चमन चमन हर कली कली सिद्दीक उमर उस्मान अली। हर नगर नगर हर गली गली इक मेरे नबी दा हम सफर, इक मेरे नबी दा हम सफर। सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर, इक मेरे नबी दा हम सफर। सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर, ओ जेड़ा नबी नाल फिर गया गली गली हर चमन चमन हर कली कली सिद्दीक उमर उस्मान अली अली। इक मेरे नबी दा यार प्यारा, इक मेरे नबी दा यार प्यारा, जिदा ना सुन कंबदा कुफर सी सारा। सोना उमर बहादर रब दा वली, हर चमन चमन हर कली कली सिद्दीक उमर उस्मान अली। इक शर्म हया दा नसबुल ऐन, इक शर्म हया दा नसबुल ऐन, उस्मान प्यारा जुन्नूरैन। ओ बैत कीती जिस दी मौला अली, हर चमन चमन हर कली कली सिद्दीक उमर उस्मान अली। इक हैदर सफदर शेर खुदा, इक हैदर सफदर शेर खुदा, जिन्नू लकब भी मिले आ असदुल्ला,
ਇੱਕ ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਗਮੇ ਗਾਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਗਾਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਦਰ ਸਫਦਰ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਕਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਸਦੁੱਲਾ, ਅਲੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਜਲੀ, ਹਰ ਚਮਨ ਚਮਨ ਹਰ ਕਲੀ ਕਲੀ, ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਲਾ ਰੋਂਦਾ ਰਵੇ ਗਲੀ ਗਲੀ, ਹਰ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹਰ ਕਲੀ ਕਲੀ, ਹਰ ਚਮਨ ਚਮਨ ਹਰ ਕਲੀ ਕਲੀ, ਸਿੱਦੀਕ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ। ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨਹੁ ਉਲਾਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅਲਾ ਇਨਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੁਮੁਲ ਮੁਫਲਿਹੂਨ। ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।